नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक ओझा। आज हमारे नक्षत्र न्यूज के खास कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान हैं असम के मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज में। आप चुनाव के दौरे पर झारखंड में भ्रमण कर रहे हैं, लगभग पूरा झारखंड आप घूम चुके हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है, जनादेश क्या है, मतलब जनमत का रुझान क्या लग रहा है आपको? देखिए, लोकसभा चुनाव में लोगों ने, झारखंड का प्रजा ने मोदी जी को दिल खुल के समर्थन किया है और हमारा काम इतना ही है कि जो लोकसभा का चुनाव परिणाम था वो विधानसभा में रेप्लिकेट हो जाए। मतलब जो लोगों ने 2026 का लोकसभा में बीजेपी को वोट दिए थे वो लोग दोबारा हमको एक बार वोट दे, और जो नहीं दिए वो लोग भी थोड़ा सा वोट हमें दे दे। हमारा इतना ही टारगेट है। 2024 की बात कर रहे थे, 2024 के जो लोकसभा में आपके रिजल्ट आए हैं उससे संतुष्ट है बीजेपी? मैं संतुष्ट हूँ। जो नेशनल जो एक परिपेक्ष बना था उसमें 9 out of 14 ये बहुत बड़ा रिजल्ट, और इसीलिए देश का सारे बीजेपी कार्यकर्ता, झारखंड का प्रजा, झारखंड का जनता का ऊपर बहुत ही ग्रेटफुल है। हम लोग बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ झारखंड का प्रजा को। 16 सीट में 9 सीट और जो देश का एक परिपेक्ष बना था उस आधार में ये बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर रिजल्ट। लेकिन पिछले बार के मुकाबले थोड़ा कम था कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब देश में ही हमारा सीट कमा है, पिछले बार हमारा 303 था, हमारा 240 मिले, जब पूरा देश में ही हमारा सीट कमा है तो ये स्वाभाविक है झारखंड में भी थोड़े सीट कमेगा। एक सीट हम 10-12 हजार वोट से ही हारा, तो अगर 10 सीट हम जीते हूँ या 9 सीट हम जीता हूँ तो 1-2 सीट का इजाफा या माइनस या प्लस चलता, ये आपको मान के ही चलना पड़ेगा। जनता आपको हमेशा पूरा लड्डू नहीं खिलाएगा, कभी कभी कुछ कम करके भी आपको देगा। मुख्यमंत्री जी, इस बार चुनाव में सेंट्रल इशू क्या है? तो आपको जैसे आप पाकुड़ भी गए, वहाँ घुसपैठ का इशू, अलग अलग इलाकों में, चूँकि झारखंड में अलग अलग इलाकों के अलग अलग विषय हैं, अगर हम विधानसभा चुनावों के हिसाब से देखें तो सेंट्रल इशू क्या है? देखिए, एक है विधानसभा चुनाव का सेंट्रल इशू और एक है झारखंड का सेंट्रल इशू। मैं दोनों को आपको अलग अलग विश्लेषण करूँगा। चुनाव का मुद्दा क्या है? मैं शासन में आए थे, मैं आपको तमाम वादा किया, 5 लाख मैं नौकरी देने दे दूंगा, नौकरी जब तक नहीं होगा तो 5,000-7,000 रुपया मैं भत्ता दूंगा, मैं आपको 16 की खर्चा 1,000 रुपया दूंगा, साल में आपको मैं 72,000 रुपया दूंगा। तो एक वादा खिलाफी का बहुत बड़ा एक लिस्ट है और हमारा विधानसभा चुनाव का मुद्दा वही है कि आप लोगों का इमोशन का साथ खिलवाड़ किया गया, जो भी वादा किया गया कुछ भी मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। ये झारखंड चुनाव का मुद्दा है, लेकिन जो झारखंड का मुद्दा है शुरुआती मुद्दा है, बाद में गंभीर मुद्दा बनेगा कि डेमोग्राफिकल जो चेंजेस झारखंड में दिखाई दे रहा है। अभी झारखंड का ऐसा लगभग 19 से 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा हो गया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% and above आपको एक विशेष समुदाय को दिखाई देते हैं। लेकिन 2016 में ऐसा नहीं था, 2019 में ऐसा नहीं था। धीरे धीरे असम और पश्चिम बंगाल जो समस्या से जूझ रहा है, ये समस्या झारखंड में देखना शुरू हो गया। लेकिन ये मैं बीजेपी का मुद्दा नहीं मानता, ये झारखंड का भविष्य का मामले है। जेएमएम के लिए भी ये बड़ा मामला है, कांग्रेस में भी जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके लिए भी ये मामला है और बीजेपी के लिए ही ये मामला है।
तो इसीलिए मेरा दो बातें हैं, झारखंड का समस्या जो इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये डेमोग्राफी का चेंज है, घुसपैठी का समस्या है, लेकिन जो बीजेपी का चुनावी मुद्दा है वो तो वादा खिलाफी का मुद्दा, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। तो यानी आप लोग जो इंडिया ब्लॉक है उसको वादा खिलाफी के मुद्दे पर ड्रैग करेंगे चुनाव? ये तो शॉर्ट टर्म ही मुद्दा है जी। कि आपने ये बोला था, आपने कुछ भी नहीं किया, खटाखट दिया, वो भी खटाखट भी नहीं हुआ, आपका ही सरकार है, देश में आपका सरकार नहीं है लेकिन झारखंड में आपका सरकार है, तो खटाखट तो हो जाना चाहिए था, 5 लाख नौकरी तो होना चाहिए था। तो ये मुद्दा में हम हेमंत सोरेन जी को, राहुल गांधी जी को हम जनता का काठगड़ा में लेके जाऊंगा, लेकिन कभी कभी चुनाव का ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टीज को बोलना पड़ेगा, हमारे लिए पार्टी पीछे है, राष्ट्र आगे है, तो इसीलिए डेमोग्राफी घुसपैठी का मुद्दा भी हमें जनता का बीच में लेके जाना पड़ेगा। डेमोग्राफी के इश्यूज को आपने बड़ा सीरियसली उठाया है, आप वहाँ जाना चाहते थे, प्रशासन ने रोका, आपने बिल्कुल एक जिम्मेदार नेता के तौर पे आप नहीं गए, और राज्य सरकार कह रही है लगातार कि कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ। नहीं, वो सवाल उसको काउंटर कैसे, सवाल वही है कि इसमें आप स्टेट मिनिस्ट्री का फेलियर मानते हैं, सरकार की अनिच्छा मानते हैं, या एक बड़े कंस्पिरेसी के तौर पर देखते हैं? देखिए, मैंने झारखंड सरकार को मेरा कार्यक्रम भेजा कि मैं गोपीनाथ नगर जाना चाहता हूँ, पहले तो मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं देवघर हवाई अड्डा में पहुंचा तब गुवाहाटी से मेरा डीजीपी साहब ने मुझको पत्र भेजा जो झारखंड सरकार का पत्र है कि गोपीनाथ नगर जाने का आपको अनुमति नहीं दिया जाते है, और तीन कारण बताए, और उन्होंने कारण बताया कि सुरक्षा का दृष्टिकोण से, और मैंने सोचा कि मैं जोर जबरदस्ती जाना ठीक नहीं होगा, मैं गोपीनाथ नगर का लोगों को पाकुड़ में बुलाया और बातचीत की। जब एक प्रदेश में, भारत का ही प्रदेश है, अगर एक स्टेट का मुख्यमंत्री वो जगह में नहीं जा सकते हैं, मतलब आप खुद ही मानो कि सिचुएशन कितना बिगड़ चुका है। अगर आज हेमंत सोरेन जी मुझे बताता है कि मैं आसाम का फलाना जगह में जाना चाहता हूँ, ये मेरा दायित्व बनते हैं कि आपको मैं वहां तक लेके जाऊंगा, लेकिन यहां मैं मुझको बताया कि आप जा नहीं सकता है, और मुझको झारखंड सरकार का जो भी निर्देश है, जो भी उनका आकलन है, उसका विरोध मुझको जाना नहीं है। लेकिन आज ऐसा हालत क्यों हुआ? एक तरफ आप बोल रहे हैं डेमोग्राफी कोई मुद्दा ही नहीं है, और दूसरी तरफ आप पाकुड़ का हालत देखिए, एक विधायक जी को मैंने मिला है, वहां में मिला जो पहले विधायक था, हिंदू विधायक था, मैंने बोला भाई साहब आप दोबारा चुनाव लड़ेगा? बोले लड़के कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या है? डेमोग्राफी चेंज हुआ है। 2009 का पाकुड़ क्या था, 2016 का पाकुड़ क्या है, 19 का पाकुड़ क्या है? क्या ये हिमंत विश्व शर्मा ने इश्यू बनाया? ये इश्यू नहीं है, ये हकीकत है। आज झारखंड का, झारखंड में एक विशेष समुदाय वोट बैंक बन चुका है, और वोट का लालच में लोग इसको मुद्दा नहीं मानना चाहते। अभी मैं होटल का निकालने का पहले एक आदिवासी लड़का मेरा पास आया, हमारा कार्यकर्ता में लेके आया, राशि का शादी उनका जमीन है, वहां में मद्रासा बन चुका है। आप बताइए सीएनपी कानून का, और जो हमारा जो दायरा है, क्या ऐसा बन सकता है? 2019 में उनको कोर्ट ने आदेश दिया कि जमीन उनको लौटा देना चाहिए, प्रशासन कदम नहीं उठाया, मेरा पास आया, हमारे नेता लोगों का पास आया। अगर आज झारखंड में आदिवासियों का ये हालत है, बाकी लोगों का क्या हालत होगा? आप बताइए, जब आदिवासी ये देश का मुख्यमंत्री है, ये प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मदरसे पे याद आया कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटका में
मदरसे पर दिया गया आपका भाषण बड़ा फेमस हुआ था। आपने कहा था कि अभी 600 मदरसे बंद किए हैं और आने वाले दिनों में सारा मदरसा बंद करेंगे, क्योंकि आपने बड़ा एक वाजिब कारण बताया था कि इस देश को, बदलते भारत को अब मदरसा नहीं चाहिए, बदलते भारत को यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए। ये आपका बयान। देखिए, मेरा जो विश्वास है, घुसपैठिया मुसलमान, लेकिन सारा मुसलमान घुसपैठिया नहीं, ठीक है? घुसपैठिया मुसलमान है, लेकिन सारा मुसलमान घुसपैठिया नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि मुसलमान समाज में भी मॉडर्निटी आए, शिक्षा मिले, वो समाज में भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कोई जुनाब का आपको जरूरत नहीं है, कोई इमाम को आपको जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मेरा खास मानना है कि ये आधुनिक भारत को मदरसा शिक्षा का कोई जरूरत नहीं है। आपने कई मदरसों को अपने राज्य में बंद कर रखा है और उसको सामान्य स्कूल में बदल दिया है। हाँ। तो मुख्यमंत्री जी, क्या झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो आप कुछ ऐसा फैसला लेंगे? कम से कम विधानसभा में अगर हनुमान चालीसा नहीं होते हैं तो नमाज भी नहीं होना चाहिए। शुरुआत उधर से तो हो ही सकता है। बिल्कुल। अगर भारत एक डेमोक्रेटिक सेकुलर नेशन है, अगर विधानसभा में आपको नमाज का व्यवस्था करना है तो हनुमान चालीसा का भी व्यवस्था करो। अगर शुक्रवार आप स्कूल को बंद देते हो तो गुरुवार को भी बंद करो। लेकिन हिंदू हो मुसलमान हो, हमने स्वीकार कर लिया कि संडे ही बंद होगा, और संडे भी क्रिश्चियन समाज से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन हिंदू ने इसको स्वीकार कर लिया कि हमें कोई कंपटीशन नहीं है। आप संडे को बिल्कुल बंद कीजिए, पूरा वॉल बंद होते हैं, हम भी बंद करेगा। लेकिन अभी की क्या चल रहा है, नहीं नहीं हमें संडे बंद नहीं चाहिए, हमें शुक्रवार को बंद करना चाहिए। आप बोलिए सेकुलर कौन है देश में? तो सबसे सेकुलर हिंदू है। आप मान चुका है हमको गुरुवार बंद नहीं चाहिए, हमें मंगलवार बंद नहीं चाहिए, हमें संडे बंद भी हमें स्वीकार है। लेकिन संडे कोई हिंदू परंपरा का साथ कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन भारत में एक परंपरा चल रहा है कि संडे ही बंद होगा, हम मान लिया। लेकिन आज झारखंड में क्या प्रयास हो रहा है कि संडे खुला रखे, शुक्रवार बंद हो। बहुत ही मैं भी जब असम में पहला बार शिक्षा मंत्री हुआ तो मेरा नजर में आया कि कोई सारा जिला में शुक्रवार स्कूल बंद हो जाते और संडे खुला रहते। अच्छा। और ये कोई सरकार का रूल नहीं था, अपने आप परंपरा बना गया। मैं लोगों को बोला कि नौकरी करना है कि नहीं करना है। मैं तब कांग्रेस में था, कांग्रेस का शिक्षा मंत्री होते हुए मैं ये परंपरा को तोड़ कि भाई बंद होना है तो संडे बंद होना है, शुक्रवार बंद नहीं हो। एक और आपका, लेकिन यहां में तो झारखंड में तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। कोई सारा जिला में शुक्रवार शिक्षा अनुष्ठान बंद होते, बहुत सारे जिला में, तो ऐसा तो नहीं चल सकता। एक और बयान आपका बहुत चर्चित हुआ था, आपने कहा था कि कोई कहता है कि मैं गर्व से कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई गर्व से कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ और ये देश चाहता है कि लोग ये भी तो कहें कि मैं गर्व से कहें कि मैं हिंदू हूँ। नहीं, आप देखिए हमारा जो देश है, ये देश में लोग बोलते हैं हम मुसलमान हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप जाके बोलिए हम हिंदू हैं, अरे आपने कैसे ये बोल सकते हो, आप तो सेकुलर है। अरे सेकुलर का ठीका खाली हमारे ऊपर है क्या? ये देश को अगर सेकुलर बना के रखना है, सबको बना के रखना है। अभी आप देखिए गाजा में मुसलमानों का ऊपर अटैक हो रहा है। क्यों अटैक हो रहा है उस परिप्रेक्ष में मैं नहीं जाऊंगा, किसी का उसमें ना है किसी का ना है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति गाजा में मुसलमान के लिए रोता है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी, उनको बांग्लादेश का हिंदू को कारण भी रोना सही है कि नहीं सही है? क्या उन्होंने ट्वीट किया, एक शब्द बोला बांग्लादेश का हिंदू के लिए? नहीं, और ये आपने लगातार ही सवाल उठाया। नहीं, ये सवाल नहीं, ये जेन्युइन बातें हैं कि आप हिंदू विरोधी होके ये भारत वर्ष में आप
चल नहीं सकता है लंबा। सर बहुत दौरा किया आपने झारखंड का, तो क्या लगता है किस पॉकेट में काम करने की जरूरत है, क्योंकि 44 सीटें जो है लगभग उसमें पिछड़ों की सीट है, वही फैक्टर होता है, विनिंग फैक्टर होता है। मैं चुनाव ऐसे नहीं देखता जी। 41 मैजिक नंबर, बिल्कुल हमें 42 सीट से और उसका ऊपर जितना आते हैं वो मेरा बोनस है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम 42 सीट जीते, चाहे वो पलामू से जीते, चाहे वो कोल्हान से जीते, चाहे वो संथाल से जीते, चाहे वो छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर से जीते, हमें 42 सीट पहले। झारखंड वासियों का मेरा विनम्र अनुरोध है 42 सीट दीजिए, फिर बाद में और देने का मन है तो और दीजिए। ये तो बहुत रियलिस्टिक ये है आपका, लेकिन मुख्यमंत्री जी एक सवाल इसमें ये बनता है कि 2019 में भी 28 जो एसटी सीटें हैं उसमें बीजेपी एक तरह से मात्र 2 सीटें आई थी। देखिए हम नॉन एसटी सीट भी हारे थे जी 2019 में, एसटी सीट भी हारे हमने, नॉन एसटी सीट भी हारे। तो इसीलिए हमें हर जगह में काम करने का जरूरत, कोई नई स्पेशल रणनीति कुछ उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ संगठन को शक्तिशाली करने का। पहला रिसर्च का बात यही है, हम लोकसभा में जीतता हूँ विधानसभा में क्यों नहीं जीता। पिछले बार भी है तो जो 6 महीना पहले जो लोग हमें विश्वास का साथ वोट देते हैं, 6 महीना का बाद हमें क्यों वोट नहीं देते। तो ये जो रिसर्च है, ये जो व्यवस्था है, उनको परिवर्तन करना है। आप बीजेपी का मूल भाव से आप बीजेपी है, लेकिन विधानसभा में हम कुछ हम गलती करते हैं, या तो उम्मीदवार में गलती करता हूं, या जनता का इश्यू उठाने में हम कुछ पीछे हो जाता हूं, तो उसी में हमारा ध्यान है। झारखंड वासी मूलतः मोदी जी का साथ है, आप वोट देते हैं, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, लेकिन विधानसभा में थोड़ा सा हम वीक हो जाते नहीं। लेकिन जो दीपक जी का सवाल था वो यही था दादा कि 44 सीटें जो जनरल सीटें हैं वो एक तरह से ओबीसी वहां निर्णायक वोटर है, क्योंकि वो 50% से ज्यादा ओबीसी आए जाते हैं, तो उस 44 सीटों के लिए क्या कुछ खास, ये 28 सीटों के लिए कुछ खास? थोड़ा बहुत क्या है, मैं एक प्रदेश से आता हूँ जो प्रदेश का राजनीति 2 ही सिस्टम से होते हैं, या तो आप उस पर या तो इस पर। तो यहाँ में मैं थोड़ा जातीय समीकरण में सीख रहा हूँ, तो तुरंत मैं कुछ बताऊंगा तो मेरा गलती हो सकता है, इसलिए मैं जो प्रदेश में हूँ वहां में हाँ या ना चलता है। लेकिन ये भी बात है, आप एक विशेष समुदाय का साथ है या नहीं। लेकिन ये भी बात है कि आपको मास्टर चैंपियन माना जाता है रणनीति का। देखिए मैं आपसे सीखने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ मुझको पूछते हैं आदिवासी सीट, अभी एक हमारे न्यूज रूम में खबर आई है मुख्यमंत्री जी से पूछना है सवाल कि जो गुलाम अहमद मीर हैं कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है बांग्लादेशी हिंदुओं पर उस पर कटाक्ष किया है, और उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ निगेटिव चश्मा पहन के घूमते हैं, राहुल गांधी को जो टारगेट कर रहे हैं और चश्मा उतार के देखे सब कुछ अच्छा दिखेगा। मैं चश्मा उतार दिया तो क्या हुआ रिजल्ट, ये उनका कटाक्ष, मतलब उन्होंने प्रश्न किया मीर से और अच्छा बात क्या सुनाई मिलेगा आपको। तो मीर तो मीर का ही भाषा बोलेगा ना, उससे तो अलग भाषा नहीं बोल सकते हैं। मैं चश्मा पहनू या उतार दो, क्या आज बांग्लादेश में हिंदुओं का ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा, खबरें तो आ रही है, तो उनको देखना सही है। जो मैं बोल रहा था कि हमारे जो मैं प्रदेश में राजनीति करता हूं, आदिवासी भी एक जगह में वोट डालते हैं, ओबीसी भी डालते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब एक ही जगह में वोट डालते हैं, इसलिए डेमोग्राफी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ का जो समीकरण है मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, और यहाँ मैं रणनीति बनाने नहीं आया हूँ, खाली हमारा कार्यकर्ता को हौसला देने के लिए आया हूँ कि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, आगे भी आप कर सकते हैं। संपादक जी अभी सवाल कर रहे थे, मैंने इंटरप्ट किया था कि आप चुनावी प्रबंधन में बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, और जो यहाँ आपका गठबंधन है उसमें जेडीयू की एंट्री हो रही है,
तो सीटों के बंटवारे में कितना आपको चुनौती का सामना करना लगता है कि जेडीयू हो, आसू हो या बीजेपी हो, हम लोग दिल्ली में एक साथ सरकार हमारा है, लोजपा भी है, लोजपा भी है, कोशिश होना चाहिए कि हम लोग सब एक साथ रहे। लेकिन चुनाव ऐसा एक मुद्दा है, कभी पूरा प्रयास करने का बाद भी कभी कभी कुछ नहीं होते हैं, रह जाते हैं। लेकिन जो आइडियल पिक्चर है, हमारा साथ जनता दल यू भी रहना चाहिए, हम भी उनका साथ रहना चाहिए, आसू का साथ हम भी रहना चाहिए, आसू भी हमारा साथ रहना चाहिए और मिल के चुनाव लड़ना चाहिए। लोजपा भी किसी किसी सीट पर, यहाँ एक दो सीट पर चुनाव लड़ते आई है, तो सर क्या उनका भी कुछ डिमांड आ रहा है या हम भी मूड बना रही है कि हमको भी सीट चाहिए? मेरा इतना ही मानना है कि सिराज जी आएगा, हमारे लिए प्रसार करेगा, इतना मेरा विश्वास है। लेकिन आगे का जो बात करना है हमारा दिल्ली का नेता लोग करेगा, फिलहाल इतना माइनस डिटेल में जाने का समय नहीं हुआ है। इस बार बड़ी मजेदार स्थिति बन रही है कि हेमंत वर्सेस हिमंता, तो ये दोनों का प्लस माइनस है, तो ये क्या नहीं है। मैं झारखंड का कोई तरफ से चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु बन ही नहीं सकता हूँ, इसलिए चुनाव का बात तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा। तो झारखंड प्रदेश को ही झारखंड चुनाव लड़ना है, हमारा बीजेपी को ही लड़ना है। हम यहाँ एक सीधा साधा सिंपल कार्यकर्ता का रूप में आया हूँ और मैं किसी का सामने खड़ा होने का मेरा इच्छा भी नहीं है। मेरा एक ही काम है, प्रदेश का कार्यकर्ता को उत्साह देना। हम लोग देख रहे हैं सर खबरों में कि जब तक सब शांति चल रहा था, हेमंता विश्व शर्मा जी का एंट्री हुआ झारखंड में, तो चुनावी माहौल बन गया। नहीं ऐसा नहीं है, चुनाव आने से चुनाव का माहौल एक प्रदेश में बनती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक होगा चुनाव का माहौल बनते जाएगा, कोई लोग आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये बात आपको थोड़ी स्वीकार करनी पड़ेगी, जो दीपक जी कह रहे हैं कि जब तक इस सिनेरियो में आपकी एंट्री नहीं थी तो तब तक थोड़ा जो था ना कि ड्राई कैंपेन चल रहा था, और आपके आते ही चूंकि आपने इतने गंभीर मसले, जैसे बीजेपी पहले भी डेमोग्राफी का इशू उठा रही थी, आपने उसको एक नया विस्तार दे दिया। देखिए मैंने वो प्रदेश से आया हूँ जो प्रदेश डेमोग्राफी का विक्टिम है, तो इसीलिए शायद मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत लोगों को रिजोनेट कर रहा है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहा है। किस लिए? मैं ऐसा एक प्रदेश से आया हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कि डेमोग्राफी समस्या नहीं है, मैं बोलता हूँ डेमोग्राफी समस्या है। और ये बात मैं झारखंड चुनाव के लिए नहीं बोल रहा, राजनीति का शुरुआत ही इसी मुद्दा से हम लोगों ने किया, आसाम में एजिटेशन का जो चला था दौर उसी से हम लोग कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि चुनाव का बाद झारखंड प्रदेश का एक अच्छा पत्रकार टीम आसाम में आना चाहिए। हम आप लोगों को बताऊंगा कि डेमोग्राफी कैसे कैसे चेंज होता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले डेमोग्राफी चेंज होता है, फिर वही लोग नजदीक का कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला जाता है, और ये बीमारी बहुत फास्ट चलता है। इसका एक तरीका होते है जो बंगाल में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, और झारखंड में मैं उसको साफ देख रहा, मेरा नजर में वही सभी आ रहा है, क्योंकि आपका तजुर्बा आपने देखा है वहां बदलते हैं। 79-80 में जो आसाम थे आज झारखंड है, और 2024 में जो आसाम है 30-25 साल का बाद ये झारखंड होने वाला है। तरीका एक ही है, लोग एक ही है, प्रयास एक ही है, एक्सपांशनिस्ट का जो ट्रैक्टिस है वो भी एक ही है। यदि आपकी झारखंड में सरकार बनती है आगामी, तो प्रायोरिटी क्या होगा? देखिए प्रायोरिटी तो हमारा, मैं छोटा बात बोल के आखिरी सवाल, देखिए हेमंत सोरेन जी ने स्कीम दिया है 1,000 रूपए, तो लोगों को लग रहा है बहुत बड़ा मैया योजना, तो पहले नाम थोड़ा संभल जी ने अलग दिया था, हेमंत जी ने नाम थोड़ा चेंज कर दिया, तो ठीक है। तो ये स्कीम क्या है कि महीना 1,000 रूपए, साल का 12, साल का 12, साल तो आप देखा ही नहीं, वो साल दिखा रहे हैं। हाँ,
वो साल दिखा रहा है लेकिन नवंबर तो किसी ने देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। सितंबर और अक्टूबर में मूलतः हेमंत सोरेन जी का ये कार्यकाल में लोगों को 2000 रुपया मिलेगा। तो ये स्कीम क्या है कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बना था और मैं 2000 रुपया तोहफा देने जा रहा हूँ, बाद में दोबारा बनूंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा अलग बात है, बट ये कार्यकाल में 2000। तो आपकी सरकार आती है तो कंटिन्यू रखेंगे? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बराबर बताता हूँ। 2000 का 300 से 750 रुपया कौन ले रहा है? फॉर्म भरने में रिश्वत में जा रहा है। 4-5 दिन एक माह को आना पड़ा कंप्यूटर में, रोकने का काम रुक गया है। उनका जो वेतन होता है वो कितना है? 150-200 रुपया। तो 60 दिन का 800 रुपया कंप्यूटर का चक्कर में गया, 700 रुपया 300 रुपया रिश्वत में गया, रहा कितना? 900। ये जो स्कीम है हेमंत सोरेन जी को पहले सलाह लेना चाहिए था, 2-3 साल पहले। ये स्कीम का जननी असम है। असम में हमने 2019 में ये स्कीम को शुरुआत किया। कैसे किया? पहले 1250 रुपया उनका अकाउंट में, फिर वही परिवार को आप कृषक सम्मान निधि दीजिए, वही परिवार को आप रेशन दीजिए, सोशल सर्विसेज के और बाकी, वही परिवार को प्रधानमंत्री जी का आवास योजना दीजिए, वही परिवार को आप आयुष्मान भारत का कार्ड दीजिए, वही परिवार को आप मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड दीजिए। तो मतलब वो परिवार को गरीब का जो साइकिल है उससे बाहर निकाल के ले आओ। और 2019 से 2026 तक हम लोग 26% लोगों को गरीबों का सीमा रेखा से बाहर किया। इस बार हमने बजट में क्या अनाउंस किया है कि वही परिवार को हम जीवन बीमा करवा दो। आइए वो स्कीम को देखिए, तब आपका आप उपलब्धि करेगा ये स्कीम का पीछे का आइडियोलॉजी क्या है। ये स्कीम आपने नहीं बनाया, ममता दीदी ने भी असम से लाया, मध्य प्रदेश असम सरकार की कॉपी कर रही है। मैं कॉपी नहीं बोलूंगा, स्कीम का जननी असम है, लेकिन असम ने उसको एक बड़ा मात्रा दे दिया। तो इसीलिए मैं कल्पना मैडम को निवेदन करूंगा कि एक बार आप असम आइए, आप महिला है, संवेदनशील है, आप समझ पाएगा ये स्कीम का पीछे कैसे स्कीम को बनाना चाहिए। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ने सीधे हमारे मन से कल्पना जी को आमंत्रित किया है कि स्कीम के बारे में समझना है तो असम आइए, आप जो स्कीम चला रहे हैं उसके विस्तृत बारे में हम बताएंगे। मुख्यमंत्री जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे नक्षत्र न्यूज के स्टूडियो पहुंचे और मुख्यमंत्री जी ने सारे जवाबों का बेबाकी से जवाब दिया नक्षत्र न्यूज के स्टूडियो में। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।